बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये देखें जी, ये है आज की बीफ कढ़ाई की फाइनल लुक। शक्ल चेक करें, ये देखें क्या खूबसूरत लुक है। और यकीन माने ये गोश्त काफ़ी गर्म है। ये देखें, ये देखें, ये कैसे टूट रहा है, देखें आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुराना मून और आप देख रहे हैं फूड एंटरटेनमेंट। नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसे पंजाबी में कट्टा कढ़ाई भी बोल देते हैं। ये प्रीटीन एज बफलो का गोश्त होता है, मेल बफलो का, जिसे कट्टा कहते हैं पंजाबी में। कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, नए हैं मेरे चैनल पे, पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले आए अल्लाह ताला के नाम से आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बीफ कढ़ाई या कटा कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया जी बोनलेस बीफ, जिसे हम कहते हैं कटे का गोश्त, या बड़ा गोश्त भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये ना मैंने जायके के लिए सिर्फ इस तरह की दो हड्डियां डलवाई हैं। इनका जो फ्लेवर आता है ना, वो जरा इस कढ़ाई को मजा देता है। जी, 1 किलो हमारा गोश्त था और उसके अंदर 150 ग्राम प्याज और 150 ग्राम कटे हुए टमाटर, ये हम बराबर मिकदार में इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे जी। नाजरीन, इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पे लेंगे जी 1/2 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये हमारे पास आ गया है जी कुटी हुई सौंफ दरदरी की हुई, ये 1/2 खाने का चम्मच ये भी ऊपर डाल देनी है, ये इसकी एक सीक्रेट टिप है। उसके बाद आ जाता है जी लहसुन पाउडर, जिसे हम गार्लिक पाउडर बोलते हैं, ये 2 खाने का चम्मच भर के ऊपर डाल देंगे। मोहतरम नाजरीन, यह आ जाता है जी नमक हसबे जायका, मैं वैसे तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल रहा हूँ। फाइनली आ गया जी ये अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, ये भी इसके अंदर जाएगा। हमने इसे बनाना है बगैर प्रेशर कुकर के, कुकर में ये फौरन गल जाता है, इसलिए पानी डालेंगे यहाँ पे ज्यादा, तकरीबन जो है 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। लें जी प्यारे प्यारे दोस्तों, चूल्हे के नीचे मैंने आग जला ली है और इंग्रेडिएंट भी सारे मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे लगा दूंगा मैं 1 अदद इसके ऊपर प्यारा सा ढक्कन, और ढक्कन लगा के जी इसे हमने यहां पे कम से कम 50 मिनट से 1 घंटा पकने देना है, क्योंकि बीफ या मटन गलने में ज्यादा टाइम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, यहां पे मुझे 1 घंटा हो गया, 50 मिनट तक मैंने देखा था वो थोड़ा सा सख्त था, फिर मैंने पानी डाल के दोबारा इसे रखा और पानी भी खुश्क हो रहा था, क्योंकि आपको पता है ये कोई ढक्कन इतना पायदार नहीं होता कढ़ाई के ऊपर। लें जी, अब उठाते हैं यहाँ पे इसका ढक्कन। ओ माय गॉड, ढक्कन उठाया था और कैमरे के ऊपर एकदम आ गई थी भाप। देखें माशाल्लाह, कढ़ाई की आप शक्ल चेक करेंगी, लास्ट मटर देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से गल गए हैं, चेक करेंगे ग्रेवी की शक्ल आ गई है। अब इसका ज़रा ना थोड़ा सा इसे खुश्क होना है, खुश्क होने तक इसे पकाते हैं 2-4 मिनट इसी तरह, जितना भी ये टाइम लेगा। फ्लेम आपने यहाँ पे अपना चूल्हे का हाई कर लेना है, क्योंकि कढ़ाई हमेशा हाई फ्लेम पे बनती है। काबले सलाम नाजरीन, देखें इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया, अब सिर्फ ग्रेवी और बीफ की बोटियाँ रहनी है। अब यहाँ पे वक्त हो जाता है इसकी भुनाई का, तो भुनाई देने के लिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, जो गोश्त की अपनी चिकनाई है या अपना उसका है एक चिकनापन है वो है इसके अंदर। अब नाजरीन, हम इसके अंदर यहाँ पर डालेंगे इसको लजीज फ्लेवर देने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 चाय कप के बराबर, चाय के कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो अब हम यहाँ पे इसे ऑयल के अंदर देंगे भुनाई, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ऑयल डालने के बाद मैंने इसे 1-2 मिनट भुना है, और मैंने इसे इतना को भूनना है कि ये एक दफ़ा ना तकरीबन ऑलमोस्ट जो अंदर मॉइस्चर है ये खुश्क हो जाए, सिर्फ अंदर ऑयल की चिकनाई रह जाए, क्योंकि कढ़ाई का सिस्टम ही भुनाई देता है। फ्लेम आपने फुल हाई करना है। हाँ, एक सीक्रेट टिप आपको और बताओ, कढ़ाई जब भी बनानी है लोहे की कढ़ाई में बनानी है, किसी भी एलुमिनियम या कोई नॉन स्टिक पैन, उसके अंदर कढ़ाई का फ्लेवर नहीं निकलता, आप जो मर्जी कर लें। देखिए माशाल्लाह किस तरह ये आपके सामने देखते ही देखते ये जो हमारी बीफ कढ़ाई है ये अपनी कितनी अच्छी शक्ल में आ गया। नाजरीन, अब यहाँ पे वक्त हो जाता है जी इसके अंदर ऐड करने का। ये आ गया है जी हमारा दरदरा किया हुआ जीरा साबुत, ये डाल देंगे। ये आ गया जी 1 खाने का चम्मच गर्म मसाला दरदरा किया हुआ, ये मेरा होममेड है, आप चाहें अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन मसाला जात को अंदर डाल के फिर इसकी एक दफ़ा यहाँ पे अच्छी सी भुनाई देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट।
मसालादार डालने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छा सा भुना है। देखें कढ़ाई जो अपनी एक जान में आ गई है, देखें माशाल्लाह। यहाँ पे ज़रा चम्मच को चलाना रोकता हूँ और जो ऑयल अंदर जज्ब हो गया था दोबारा से वो सरफेस के ऊपर इसकी जो है तरी आना शुरू हो गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करना है जी खुश्क धनिया दरदरा किया हुआ, ये बहुत अहम जुज है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक मसाला जात बताए हैं इनको नोट साथ साथ फरमा लीजिएगा। अगर आप वाकई ही बीफ कढ़ाई या कट्टा कढ़ाई का एक नेचुरल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटल ढाबा स्टाइल मैंने आपको रेसिपी दी है। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पे वक्त हुआ जाता है फाइनल इंग्रेडिएंट है जी इसका, हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 150 ग्राम, क्योंकि ये हमारा है 1 किलो है बीफ, तो उसके हिसाब से 150 ग्राम सफिशेंट है सिर्फ इसकी ग्रेवी को एक नाइस सा अरोमा देने के लिए। अब दही डाल के इसे यहाँ पे फिर 4 से 5 मिनट अच्छा सा हमने भून लेना है, मेरे साथ रहिएगा जी। मोहतरम नाज़रीन, दही डाल के भी मैंने इसे 4 से 5 मिनट भून लिया। अब यहाँ पे आता है इसका एक फाइनल टच, इसके अंदर हम डालेंगे जी ये हरी मिर्चें 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें डाल के इसे फिर यहाँ पे 1 से 2 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। लें जी हरी मिर्चें डाल के भी 2-4 मिनट अच्छा सा इसे भून लिया, खुशबू बहुत प्यारी आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे इसी तरह ड्यूरिंग कुकिंग ही हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते भुनाई के दौरान, एक तो फाइनल टच होता है एंड पे टॉपिंग के लिए, एक ये भुनाई के दौरान ही आपने ये हरे धनिया के थोड़े से पत्ते डाल लेने सिर्फ खुशबू के लिए जी। नाज़रीन अब यहाँ पे वक्त हुआ जाता है चूल्हे को बंद करने का, चूल्हा हमने अपना यहाँ पे कर दिया है जी बिल्कुल ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें मैं ज़रा कैमरे को सेट करके आपको दिखाऊं, कढ़ाई की शक्ल चेक करें। अब फाइनल टच ये है जी, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च एक नाइस फ्लेवर के लिए, जो कि इस कढ़ाई को 4 चांद लगाएगी। और इसी तरह बंद चूल्हे में इस काली मिर्च को भी अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर आ जाए। ऊपर अब डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया टॉपिंग के लिए, बारीक कटा हुआ अदरक, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं अदरक का छट्टा लगाना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है खास तौर पे कढ़ाई के अंदर, ये ना हो कढ़ाई में तो कढ़ाई का मजा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ये देखें जी, ये है आज की बीफ कढ़ाई की फाइनल लुक, शक्ल चेक करें, ये देखें क्या खूबसूरत लुक है। और यकीन माने ये गोश्त काफी गर्म है, ये देखें ये देखें ये कैसे टूट रहा है देखें आप। और इसे हमने बनाया है जी बगैर प्रेशर कुकर के अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे कि जी आप उसके बगैर कढ़ाई बना के दिखाएं कुकर के बगैर, ये देखें टाइम काफ़ी लंबा दरकार होता है इसके लिए, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आएं ज़रा खा के आपको इसका रिव्यू दूं और बताऊं कि कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ये आ गया जी हमारा कटा कढ़ाई या बीफ कढ़ाई जिसे हम कहते हैं, बोटी एक खा के देखें। भाई वाह बिल्कुल लाजवाब, ये देखो कैसे गल रही है, इतनी मजेदार बनी है ना, अंदर जो कुटी हुई लाल मिर्च सुर्ख मिर्च हल्दी गरम मसाला सौंफ जो जो कुछ अंदर डाला ना उसने एक इतना मजेदार फ्लेवर दिया और बड़ी स्पाइसी आई है। हरी मिर्च की जो एंड में तेजी आई है ना तीखापन, कमाल कर दिया भाई उसने कमाल कर दिया। वीडियो अगर पसंद आए मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और नए हैं मेरे चैनल पे पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह इसी तरह की नई यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।